गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और जैसा कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि शादी को कुछ दिन ही रह गए हैं, तो आज हम तीनों निकल पड़े हैं शॉपिंग करने के लिए कमला नगर मार्केट, हमारा फेवरेट मार्केट। तो यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे एंड देन बस में हम बैठ। यहाँ पे हम मार्केट पहुँच चुके थे और 22 जनवरी को मतलब राम मंदिर की वजह से ये पूरा का पूरा मार्केट जो है ना वो डेकोरेट हो रखा था। और शॉपिंग करने से पहले पैसे तो चाहिए, तो यहाँ पे निके ने सबसे पहले पैसे निकाले और आप ये देखो कितना अच्छा मार्केट सजा हुआ था। फिर सबसे पहले निक्की ने अपने लिए इयररिंग्स लिए थे। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे और काफ़ी कॉस्टली भी थे, लेकिन हमें पसंद आ गए थे निक्की को, तो उसने यहाँ से ले लिए थे इयररिंग्स। फिर उसके बाद हमें कुछ थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान भी लेना था, तो यहाँ पे ये हमें ट्राई करके दिखा रही थी फाउंडेशन। उसके बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने के बाद यहाँ पे ये दोनों अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, इनको लेना देना तो कुछ था नहीं। लेकिन फिर उसके बाद हमें लेनी थी बैंगल्स, तो निक्की और मैंने यहाँ से बैंगल्स लिए थे और अंकल ने हमें बहुत अच्छा सेट बना के दिया था। और अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छी सारी वैरायटी थी, मेटल की और कांच की चूड़ियाँ जो भी थी सब अच्छी थी। फिर बारिश होने के चांसेस थे क्योंकि बादल हो रखे थे, तो हमारी आधी शॉपिंग भी रही थी। हमने फटाफट फटाफट से सारी शॉपिंग करी। यहाँ से मुझे अपनी साड़ी के लिए फॉल और पेटीकोट लेना था, तो हमने फटाफट से वो लिया। एंड उसके बाद हमने नानी के लिए एक स्वेटर लिया था और मेरे इयररिंग्स लेना रह गए थे। तो यहाँ पे एक और शॉप थी जहाँ पे मेरे को इयररिंग्स दिखे, लेकिन मुझे वहाँ भी मुझे नहीं मिल पाए थे। जैसे मुझे इयररिंग्स चाहिए थे वैसे मुझे नहीं मिल पाए थे। यहाँ पे भी अच्छी वैरायटी थी पर जिस कलर में मुझे चाहिए थे वहाँ पे नहीं मिल पाए। लेकिन निक्की को एक पेयर मिल गया था एक्स्ट्रा, तो उसने यहाँ से ले लिए थे। और चारू को कुछ नहीं लेना था, लेकिन वो यहाँ पे इस बच्चे को छेड़ने में लगी पड़ी थी फालतू में। निक्की को एक पेयर ये वाले इयररिंग्स अच्छे लगे थे, तो उसने यहाँ से एक और ले लिए थे, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला था। फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं बैठे बैठे बस ये लहंगे वगैरह देख रही थी। मेरे को एक चेयर मिल गई थी तो मैं वहाँ जाके बैठ गई थी और वहाँ बैठ के मैं बस ये लहंगों पे नज़र रख रही थी। निक्की को लेना था फुटवेयर, तो जब तक वो ट्राई कर रही थी और उसके बाद फुटवेयर लेने के बाद मुझे एक शॉप मिली। यहाँ से मुझे जो इयररिंग्स चाहिए थे वो मुझे मिल गए। फिर मुझे करनी थी नोज पियर्सिंग करवानी थी, तो यहाँ पे इस शॉप पे हम आए। ये कमला नगर में एक शॉप थी पहले, बहुत छोटी सी जगह में थी, और आज इन्होंने बहुत ज़्यादा ही अच्छी शॉप कर ली है। तो मुझे पहले तो बहुत डर लग रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि नोज पिन सेलेक्ट कर लो, तो मैंने यहाँ पे पहले नोज पिन सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने इतनी प्यार से नोज पिन मेरे डाला, मुझे पता ही नहीं चला कि कब कर दिया। फिर सारी शॉपिंग करने के बाद हमें लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो हम निकल गए खाना खाने के लिए। हमने यहाँ पे जो है इधर बर्गर और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन पिज़्ज़ा जो था वो हमें स्वीट कॉर्न और चीज़ वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर करना था, इन्होंने गलती से कैप्सिकम वाला दे दिया, तो हमें वो लेना पड़ा। लेकिन मेरा मूड थोड़ा सा हो गया था ऑफ क्योंकि मेरा फेवरेट है स्वीट कॉर्न, तो फिर मुझे दोबारा से लेना पड़ा स्वीट कॉर्न। यहाँ मैं स्वीट कॉर्न लेके आ रही थी और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे स्वीट कॉर्न मिल गया था। फिर हम बैठ गए थे रिक्शे में और मैं अपना स्वीट कॉर्न एंजॉय करते करते मेट्रो की तरफ जा रही थी। Thank you.
मेट्रो पहुंच के हम लोगों ने नानी और पापा के लिए भेलपूरी पैक करवा ली थी। फिर फाइनली हम अपने घर के लिए बैठ गए थे ई रिक्शे में। तो ये था हमारा व्लॉग, आपको कैसा लगा?